नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। घर में रख रहे हैं लकड़ी का सामान तो जानिए पांच वास्तु टिप्स। हर घर में लकड़ी का सामान होता है, लकड़ी के सामान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, यह भी वास्तु के अनुसार ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार लकड़ी से भी वास्तु दोष होने की संभावना रहती है। आइए आज हम जानेंगे लकड़ी के फर्नीचर से संबंधित पांच वास्तु टिप्स। गुलाब की लकड़ी। घर में गुलाब की लकड़ी रखना शुभ होता है। कुछ लोग इसकी मूर्ति बनाकर रखते हैं, तो ध्यान रखें कि गुलाब की लकड़ी की गणेश, हनुमान या श्री कृष्ण राधा की सुंदर और छोटी सी मूर्ति ही होनी चाहिए, और मूर्ति सिर्फ एक ही हो। मूर्ति पूजा के लिए नहीं, यह घर की शोभा बढ़ाने के लिए हो। आइए जानते हैं दूसरी लकड़ी के बारे में, कदंब की लकड़ी। अन्य सजावटी वस्तुएं जो भी आप रखना चाहते हैं वह कदंब की लकड़ी की हो, जैसे हाथी, हंस, बुद्ध की मूर्ति, ऊपर लटकाने के लिए डलिया, टोकरी, घोड़ा, गुलदस्ता आदि। और ध्यान दीजिए कि अगर आप चांदी का हाथी अपने घर में रखते हैं तो फिर लकड़ी का ना रखें। आइए जानते हैं तीसरी लकड़ी के बारे में, सागौन और शीशम। बबूल, स्टील, प्लाईवुड के सोफा सेट और पलंग से बेहतर शीशम की लकड़ी का सोफा और पलंग होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। यह नहीं हो तो सागौन और सागवानी की लकड़ी भी बेहतर होती है। डाइनिंग सेट, साइन बोर्ड, कॉर्नर्स, तिजोरियां, बक्से, अलमारियों से लेकर छोटे बड़े डिब्बे, ट्रे, पेन स्टैंड आदि सभी शीशम के हो तो बेहतर है। सभी में सुंदर नक्काशी होनी चाहिए। अगर पूजा घर भी सागौन और शीशम का हो तो यह बहुत ही अच्छा है। घर की सीढ़ियां या फर्श यदि लकड़ी का रखना चाहते हैं तो इन्हीं लकड़ियों का रखें। चंदन की लकड़ी। पूजा के लिए सिर्फ एक बट्टी या एक टुकड़ा। प्रतिदिन चंदन घिसते रहने से घर में सुगंध का वातावरण निर्मित होता है। सिर पर चंदन का लेप लगाने से शांति मिलती है। जिस स्थान पर प्रतिदिन चंदन घिसा जाता है और गरुड़ घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ का वातावरण हमेशा ही पवित्र और शुद्ध बना रहता है। और ध्यान रखें कि चंदन का कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंदन एक पवित्र लकड़ी होती है, लेकिन आप पूजा घर जरूर बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं बांस के बारे में। बांस के द्वारा निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है और साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बांसुरी को उन्नति और प्रगति का सूचक बताया जाता है। बांसुरी घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करती है। बांस से बनी बांसुरी की अहमियत काफी ज्यादा है। घर में प्रवेश करने वाले दरवाजे पर दो बांसुरी को क्रॉस करके लगाने से आप मुसीबतों से काफ़ी हद तक अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो ये थी कुछ लकड़ियों से संबंधित जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।